काली विवाद के बाद फिल्म निर्माता ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है और लगातार नए पोस्टर जारी करती नजर आ रही हैं, जिसे लेकर अब हमारे भोपाल संवाददाता ने मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की है, तो आपको सुना देते हैं इस खास पेशकश में। फिल्म काली के विवाद के बाद फिल्म निर्माता ने एक और विवाद जो है खड़ा कर दिया है और लगातार इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं जिससे धार्मिक जो भावना है इनको ठेस पहुंच रही है। सर, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले देखने को मिले सोशल मीडिया में, चाहे वेब सीरीज हो या फिल्म हो, सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ही भगवानों से क्यों छेड़छाड़ किया? दूसरे से हिम्मत नहीं पड़ती इनकी, सॉफ्ट टारगेट ये लोग हिंदू को मानते हैं। आज हमने तय किया है कि हम लुकआउट सर्कुलर के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे, एलओसी के लिए लिखेंगे, हम ट्विटर को भी पत्र लिखने वाले हैं कि जो ट्विटर को टूल की तरह उपयोग किया जा रहा है, ट्विटर को भी विचार करना चाहिए, देखना चाहिए और सोचना चाहिए, स्कैनिंग करनी चाहिए कि इस तरह से बहुसंख्यक हिंदू की भावनाओं को आहत करने वाले के लिए अगर कोई टूल की तरह ट्विटर का उपयोग कर रहा है तो उसे बंद होना चाहिए। ये हम दो बात है, केस तो हम कल लगा चुके हैं, कानूनी कार्रवाई हम कर चुके और आगे भी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार को इसके विषय में पत्र लिखा जाएगा, इसके साथ ही इस तरह की जो विवादित फिल्में हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी फिल्में रिलीज ना हो। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।